चलिए, सो लेट अस बिगिन विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. सो वी विल बी स्टार्टिंग डायरेक्टली विद द प्रॉपर्टीज. तो हमको वो जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन और जो पार्ट वन में, मतलब या जो फर्स्ट पेज में आप बोल सकते हो, जो इससे पुराना बेसिक है. बेसिकली हम हिस्ट्री में नहीं जा रहे कि एम्पियर ने क्या किया, गॉस ने क्या किया, फैराडे ने क्या किया. वी आर डायरेक्टली स्टार्टिंग ऑफ विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. वो पार्ट वैसे भी ओमिटेड भी है, बट ओमिटेड नहीं भी होता है तो एज सच एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसका कुछ भी लेना देना नहीं होता. सो हम शुरुआत करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जन्म कहां से हुआ. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ओरिजिन कैसे आया एग्जिस्टेंस में और उसके प्रॉपर्टीज क्या है. प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हमने सीखा है या हम जानते हैं कि अगर हमारे पास एक चार्ज है तो उस चार्ज के पास, स्टेशनरी चार्ज के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. तो अगर हमारे पास एक चार्ज है, ये चार्ज अगर रेस्ट पर है, तो चार्ज विच इज एट रेस्ट, ये प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इससे हमको मिलती है इलेक्ट्रिक फील्ड. फिर जब हमने आगे इसके बारे में पढ़ा कि मेरे पास अगर एक कंडक्टर है, कंडक्टर में इस चार्ज ने मूव करना शुरू कर दिया, तो आप लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ चुके हैं, बायर्ड सावर्ड्स लॉ वगैरह आपने किया हुआ है, राइट. ओरस्टेड नाम के साइंटिस्ट के बारे में भी आपने पढ़ा हुआ है. तो ओरस्टेड साहब ने, अगर आपको याद रहेगा, तो एक कंडक्टर था, कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा था, तो उन्होंने क्या देखा कि उनके पास जो मैग्नेटिक नीडल था, जब भी वो करंट फ्लो करवाते थे, ये मैग्नेटिक नीडल डिविएट होता था. तो वहां से अपना अगला स्टेप आगे बढ़ा. ये था मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड रेस्ट पे, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज विच इज एट रेस्ट, इट गिव्स मी ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड. बट व्हेन द चार्जेस आर मूविंग और व्हेनेवर द चार्जेस आर इन एक्सेलरेटेड मोशन, तब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में क्या प्रोड्यूस करेगा. वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है. तो एक्सेलरेटेड चार्जेस आर द कॉज ऑफ दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. तो हमको ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भाई किसकी वजह से मिल रहे हैं. हमको ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मिलेगा जब द चार्जेस विल बी एक्सेलरेटेड. करंट में जब आपका करंट, इलेक्ट्रिसिटी आप पढ़ते हो, तो क्या आपका चार्ज एक्सेलरेट होता है, हाँ कि ना. करंट कैरिंग कंडक्टर, क्या उसके आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है. यस. अब आप कैसे बोल सकते हो, कोई अगर बाई चांस आपको पूछे, सी दीज आर ऑल वेरी बेसिक क्वेश्चंस, एज अ स्टूडेंट अपने को इसका आंसर आना चाहिए, क्योंकि अगर कोई आपको पूछे तो अपने को ये एक्सप्लेन करने को आना चाहिए. एंड दिस इज स्पेशली ड्यूरिंग द वाइवास, जो टीचर आपका बेसिक चेक करेगा या प्रैक्टिकल नॉलेज चेक करेगा, वो यही ऐसे ही टाइप के इजी क्वेश्चंस पूछता है, बेसिक क्वेश्चंस भी पूछा जाता है. एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो आपके बड़े बड़े BARC वगैरह ये सब के भी जो एग्जाम्स होते हैं या ये सब चीज जब होती है, तो रिटेन तो आप अच्छा पढ़ाई करके क्लियर मार देते हो. आप अटकते कहाँ हो पता है, आप अटक जाते हो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पे आके, जब वो बेसिक पूछना शुरू कर देते. एनीवेज, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं. हमारा चार्ज मूव हो रहा है, तो देखो इलेक्ट्रॉन जाता है, इलेक्ट्रॉन मूव हुआ, टक्कर मारा तो रुक गया, फिर से चलना शुरू किया, फिर से आगे टक्कर मारा, फिर से रुक गया. तो क्या हो रहा है, देखो वो चला वो रुक गया, मतलब उसका स्पीड बार बार चेंज हो रहा है. क्योंकि उसका स्पीड बार बार चेंज हो रहा है,
मतलब वहां पर अपने को एक्सेलरेशन मिलेगा। तो अगर कोई आपको पूछता है कि तुमको कैसे मालूम एक्सेलरेटेड मोशन है, कैन यू प्रूव इट? यस वी कैन प्रूव इट, दिस इज द सिंपल वे कि भाई वो चला वो रुक गया, वो चला रुक गया, चला और रुक गया, तो जब वो चल रहा है स्पीड है, रुक गया तो स्पीड खत्म हो गया, चेंज इन स्पीड इन सम टाइम मतलब एक्सेलरेशन है, या ये मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है। और जब भी एक्सेलरेटेड मोशन होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं, या इसके वजह से जो वेव्स जनरेट होता है उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब एक और सिंपल क्वेश्चन, ये आप 10th स्टैंडर्ड से पढ़ चुके हैं इसलिए पूछ रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना? शाबाश, वेरी गुड मीसा, साक्षी, समृद्धि, जॉर्डन, बहुत बढ़िया, वेरी गुड सूरज, विशाल करेक्ट, साहिल करेक्ट, हृदय करेक्ट, ताहिर करेक्ट, अमर, आश्वी, अमित, धार्मिक करेक्ट। सो ये 90 डिग्रीज का एंगल होता है। पारिंगम बहुत बढ़िया, तो ये जो एंगल है ये 90 डिग्रीज है। अब देखिए हम लोग कैसे प्रूव करेंगे कि ये 90 डिग्रीज है। 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है, अगर आप बोलते हो करंट गोल घूम रहा है, ये आपका करंट है इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे दिखाते हो? राइट हैंड थंब रूल, आपके राइट हैंड थंब रूल से आप मैग्नेटिक फील्ड दिखाते हो। करंट इधर घूम रहा है मतलब ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, आपका मैग्नेटिक फील्ड इधर है। ये देखो ये एक प्लेन, ये दूसरा आपका लाइन, दोनों के बीच में एंगल देख लो 90 डिग्री से। अब दूसरा केस देख लीजिए, अगर ये आपने वायर लिया और इस वायर में से आप करंट भेज रहे हैं, तो ये जो आपने लाइन बना दिया, वेरी गुड परंगो, तो ये आपने लाइन बना दिया आई, ये आपका करंट हो गया। अब लीजिए फिर से कीजिए राइट हैंड थंब रूल, तो आपका राइट हैंड थंब रूल यानी जो आपका कर्ल्ड फिंगर्स है वो आपको देगा मैग्नेटिक फील्ड। फिर से चेक कर लो एंगल कितना है, 90 डिग्रीज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्रीज। सी आई एम गिविंग यू द आंसर्स टू योर MCQs, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछते हैं इसमें वो लोग। तो कैसे चार्जेस होने चाहिए? एक्सेलरेटेड मोशन होना चाहिए। एंगल कितना होता है दोनों फील्ड्स के बीच में? 90 डिग्रीज एंगल होता है दोनों फील्ड के बीच में, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखिए इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ई बार क्रॉस बी बार, क्योंकि इसका डायरेक्शन होता है, क्योंकि ये डायरेक्ट अपने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो इट कैन बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर एक्सिस, सो इट इज गिवन बाय ई बार क्रॉस बी बार। अब आप बोलोगे बी बार क्रॉस ई बार क्यों नहीं है? क्योंकि चार्ज जब एक्सेलरेट होगा उसके बाद में आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो जब ये इलेक्ट्रो, नाम से याद रख लो आप उसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो इलेक्ट्रो पहले, ई पहले, बी बाद में, सिंपल वे ऑफ रिमेम्बर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ई पहले बी बाद में। कौन सा प्रोडक्ट है? क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट है तो कौन सा रूल अप्लाई होगा? रूल अप्लाइड विल बी टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द वेव। स्टूडेंट्स दीज आर वेरी वेरी स्मॉल क्वेश्चंस, इट मे अपियर टू यू नाउ कि ये क्या इजी 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 बात है, बट यही अपने को चार चार मार्क दिलाते हैं जितने भी हम बात कर रहे हैं इस समय। ऑल द लाइंस, ऑल दी स्टेटमेंट्स आर वर्थ 4 मार्क्स, वेरी गुड तन्वी। तो इट इज बाय द राइट हैंड थंब रूल, क्रॉस प्रोडक्ट में आपका जो, वेरी गुड निशा, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। 11th वाले, 12th वाले, तुम लोग कुछ आंसर मत दो, बैठे रहते हो खाली, 11th वालों से सीखो। चले कोई बात नहीं, नाम खराब करो तुम लोग। ई बार क्रॉस बी बार, तो ई बार क्रॉस बी बार
इलेक्ट्रिक फील्ड, बाद में मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब इससे जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मेरा ई बार है एक्स एक्सिस, बी बार है मेरा वाई एक्सिस, सो वेयर इज द डायरेक्शन ऑफ द वेव। स्टूडेंट्स एकदम ये चीज याद रखो, जो दो एक्सिस कवर हो गए, तीसरा जो एक्सिस बचा वहीं पर आपको वेव का डायरेक्शन मिलेगा। ये हुई ना बात, ट्वेल्थ वाले समृद्धि, जबरदस्त, वेरी गुड अमित। ऐसा तुम लोग को इंजेक्शन लगाना पड़ेगा तभी बोलोगे लगता है। वेरी गुड जॉर्डन, बहुत बढ़िया। तो ई बार और बी बार का आपको दो जन का एक्सिस बताया जाएगा, आपको डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पूछेगा। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये मैंने डायग्राम बनाया, समझो ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, तो ऑटोमेटिकली ये जेड एक्सिस हो गया। वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि कैसे मुझे डायरेक्शन निकालना है। हमेशा यू विल स्टार्ट विद द ई वाला डायरेक्शन, तो ई किधर है, एक्स। अब मैं आऊंगा ई से B की तरफ, तो B मेरा ऐसा नहीं हो, Y एक्सिस मतलब इधर एक्चुअली ऐसा है, B का ड्रॉ इट आउटसाइड, इसके लिए ऐसा थोड़ा टिल्टेड बना दो। तो यहाँ X से आ रहे हो Y, आपका थंब का डायरेक्शन देखो, थंब का डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द Z एक्सिस, तो आपका EX क्रॉस BY द आंसर विल बी टुवर्ड्स द Z एक्सिस। वेरी गुड संस्कृति, दैट इज अ मोर करेक्ट वे ऑफ सेइंग इट विल बी द पॉजिटिव Z एक्सिस। शाबाश। नाउ वंस अगेन, ये एक्स लिया, ये वाई लिया, सपोजिंग इधर ई है इधर बी है। अब देखिए अब कैसा जाएगा, देखो ई से स्टार्ट करेंगे, बी की तरफ जाएंगे, देखो अपना थंब जा रहा है परपेंडिकुलर इनवर्ड्स पीछे की तरफ, तो शाबाश संस्कृति, तो ये हो गया अपना पीछे की तरफ, तो आपका आंसर आएगा नेगेटिव जेड एक्सिस। तो स्टूडेंट्स यहां पर इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वो कैसे बना सकता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो आप एक्स एक्सिस पे पहुंच गए या जेड एक्सिस पे पहुंच गए, अब पॉजिटिव की नेगेटिव वो अपने को उस टाइम पे बराबर से ध्यान देना चाहिए। अगर आपको याद रहेगा आई जे के, तो इफ इट इज इन सीक्वेंस पॉजिटिव, अगर वो ऑपोजिट होगा तो नेगेटिव डायरेक्शन आएगा। तो आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस। बोलो भाई, आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स समझ में आ रहे, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो। तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ साथ उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स भी समझते जा रहे। अच्छा, अब जब इसको आगे पढ़ा जाता है तो जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो आती है, इट इज फाउंड टू बी साइनोसॉइडल। साइनोसॉइडल मतलब, अरे क्या बात है क्या बात है, आई एम जस्ट राइटिंग दैट बेटा, आई एम जस्ट राइटिंग दैट। देखिए मैच हो गया अपना, वी आर ऑन द सेम लेवल ना, वही चीज सोच रहे। साइनोसॉइडल क्या होता है, देखिए, वेरी गुड समृद्धि, वेरी गुड। तो जैसे आपने पढ़ा है साइन कॉस टैन, तो जो अपना साइन फंक्शन है उसको बोलते हैं साइनोसॉइडल फंक्शन। तो साइनोसॉइडल फंक्शन से जब आप कोई ग्राफ बनाते हो, तो देखिए आपका ग्राफ इस तरीके से दिखाई देगा, साइन जीरो इज जीरो, साइन 90 वन, वन मतलब मैक्सिमम वैल्यू, फिर साइन 180 0, 270 माइनस 1 एंड साइन 360 फिर से 0। तो ये जो आपका कर्व बनता है, दिस इज नोन एज अ साइनोसॉइडल वेव। तो अभी जो मैंने आपको दिखाया ई एक्स और बी वाई, स्टूडेंट्स यस इट्स अ पीरियोडिक वेव, यस इट्स अ पीरियोडिक फंक्शन, उसका जो वैल्यूज है वो अपने आप को रिपीट करता रहता है आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, सो इट्स अ पीरियोडिक वेव। अभी स्टूडेंट्स प्लीज ध्यान दीजिए, वैसे मेरा डायग्राम बनाना थोड़ा खराब ही है इसीलिए बोल रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये मेरा ई एक्स था, अब इस ई एक्स को हम कैसे दिखा रहे हैं, ये मेरा ई एक्स का वेव है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस, तो दिस इज अपना ई एक्स का वेव,
electric field along the x-axis. Now supposing we want to show the magnetic field y-axis, तो मुझे B दिखाना है, BY. अब ये BY कैसे बनेगा, प्लीज ध्यान दीजिए, ये BY ऐसा बनेगा, इधर इधर से स्टार्ट होगा, दिस इज योर 90, इसको नीचे लेके आओ, इसको इधर बीच में प्रोजेक्ट करो, इधर ये आपका मिड पॉइंट, इधर इसको लेके जाओ, इसको इधर पीछे लेके जाओ, देखो भाई समझ में आ रहा है कि आपको, वो बनने के बाद थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, आई कैन एक्सप्लेन इट यू लाइक दिस, ये आपका एक्स एक्सिस ऐसा, वाई एक्सिस ऐसा बन रहा है, इन दिस प्लेन इट इज अ साइनोसॉइडल वेव, यस थ्री डायमेंशन में है, ये आपका वाई एक्सिस पे ऐसा अलोंग द वाई एक्सिस, क्योंकि वाई एक्सिस इधर है ना, तो यही चीज को आपने ऐसा सुला दिया, ऐसा समझो यही चीज को आपने दूसरे प्लेन में ले आए तो अभी ऐसा दिखेगा, तो ये आपका EX हो गया, ये आपका BY हो गया। अब EX और BY को आप मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखोगे, देखिए आपको फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखाने जा रहा हूं, तो आप लिखोगे EX इट इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा T प्लस माइनस, वो दे सकते हैं जो भी साइन, KX, KX इज योर कॉन्स्टेंट, BY विल बी गिवन एज B0 साइन ओमेगा T प्लस और माइनस फिर से केएक्स, तो ये जो मैथमेटिकल फॉर्म है, ये जो आपका साइन वेव है, साइनोसॉइडल वेव, इस तरीके से आपको वो इक्वेशन रिप्रेजेंट करके देगा, तो ये जो साइनोसॉइडल वेव है ये इसका इक्वेशन, ये जो साइनोसॉइडल वेव है ये इसका इक्वेशन, ये रहा, अब इस साल के नीट एग्जाम का क्वेश्चन है ये, आपको ऐसा दो इक्वेशन दे दिया और आपको बोला स्पीड निकालो, फाइंड द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो आपका स्पीड का फॉर्मूला देखिए, आपको स्पीड, स्पीड सी, यहां पर हम वी नहीं लिखते, हम स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं सी के साथ, तो C is equal to E0 upon B0, तो ये फॉर्मूला जरा नोट डाउन करके रखिए, इस साल का आपका नीट का क्वेश्चन था, ऐसे आपको EX का इक्वेशन दे देगा वो, ऐसे आपको BY, वो EX हो सकता है, EY हो सकता है, EZ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सिमिलरली ये y, x, y, z में से कुछ भी हो सकता है, कोई भी दो एक्सिस इधर यूज कर लेगा, आपका वेव का इक्वेशन दूसरी जगह पे हो जाएगा, संस्कृति कैन यू जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स, आपका वेव का इक्वेशन जो है, एंड प्लीज डोंट रिपीट योर क्वेश्चन, इफ आई सी इट आई विल आंसर इट, सो EX हो गया, BY हो गया, इसके बाद में आपको जो वो पूछेगा, आपको वो आपको पूछेगा कि वेलोसिटी निकालिए, इस वेव का वेलोसिटी निकालिए, और इस वेव का वेलोसिटी का फॉर्मूला देख लीजिए प्लीज, जो भी आपका ये E0 और B0 का वैल्यू है बस उसका रेशियो ले लो, आपको ये आंसर आ जाएगा। अच्छा अब आते हैं ये क्वेश्चन पे, ये इक्वेशन एक्सप्लेन जो आप मांग रहे हैं, इसका एक्सप्लेनेशन आपको अभी नहीं दिया जा सकता, अभी आपको सिर्फ इतना समझना है या इतना याद रखना है फॉर द टाइम बींग, ये मेरा साइन फंक्शन है, इसके लिए हमने साइन लिखा है, इसके ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है वो एक अलग ही चैप्टर है, वो चैप्टर मुझे मालूम था व्हाट इज kx, इसके लिए मैं वही बता रहा, इस समय आपको ये जरूरत है कि आपने ex मतलब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इक्वेशन लिखा आपने, E0 क्या है वो बता सकता हूं, ये देखिए ये आपका वेव है, इस वेव में जो आपकी ये मैक्सिमम वैल्यू आपको मिली है
ये मैक्सिमम वैल्यू आपका ई जीरो, उसी तरीके से ये आपका बी जीरो का मैक्सिमम वैल्यू. सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, बी जीरो इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. ओमेगा और के एक्स, ये जो आपके ब्रैकेट के अंदर का टर्म है, ये बाकायदा एक अलग चैप्टर है जिसमें ये एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा. फिलहाल इस समय आपको यहां से संतोष करना पड़ेगा कि भाई साइनोसॉइडल वेव बोला, साइन फंक्शन लिखा, तो देखो यहां पर भी हमने साइन लिखा. दिस इज सम एंगल, साइन समथिंग इज व्हाट, दिस रिप्रेजेंट्स एंगल. तो आपके पास इतना तो आपको मालूम है कि साइन 30, साइन 45, साइन 60, तो ये आपको रिप्रेजेंट करता है एंगल. दोनों एंगल सेम है, आपको जो ध्यान देना चाहिए उस चीज पे ध्यान दो. आपको ये ध्यान देना चाहिए कि जो इधर लिखा है वही इधर लिखा है, ये जो दोनों चीज लिखा है वो सेम है, इधर का एंगल और इधर का एंगल सेम है. अब वो सेम है कि पता चलेगा, चेक करो, वो चीज चेक करो. देखो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आया, आपका मैग्नेटिक फील्ड चेक करो, मैग्नेटिक फील्ड इधर बांधे हो सर, सेम टाइम पे मैक्सिमम वो भी हो रहा है. इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड maximum, magnetic field be zero, electric field be zero. So that means they are moving together at the same instant. They are becoming zero and maximum at the same instances of time. So we say that they have the same phase. अगर आप उसको phase, अच्छा सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन, दे आर इन द सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन. दोनों तो दोनों जीरो, मैक्सिमम तो दोनों मैक्सिमम, फिर से दोनों जीरो, नेगेटिव मैक्सिमम, फिर से जीरो. So they are in the same state of vibration. So they are maintaining the same angles. ठीक है, जब ये equation कैसे बना वो chapter में जब हम आएंगे, I will explain it to you. उस time पे आपको समझ में भी आ जाएगा. यहां पर इस chapter में kx, what is written after k, kx. ठीक है, ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लिया. अच्छा, दीज वेव्स कैन ट्रेवल इन वैक्यूम. इस लाइन का क्या मतलब है, दीज वेव्स कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, इसका क्या मतलब है? इट मींस, करेक्ट, वेरी गुड पुनीत, दे डू नॉट रिक्वायर any material medium for its propagation. Shabash Nisha, very good. Purnima, very good. Samruddhi, Amar, bahut badhiya beta. To iska matlab ye waves ko, very good Sanskriti, these waves do not need any material medium for their propagation. Ye bina material medium ke bhi travel kar sakte hain. Jo waves ko medium lagta hai unko kya bolte hain? क्या किसी को याद है जो वेव्स को मटेरियल मीडियम लगता है? शाबाश अमर, बहुत बढ़िया, मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं उसको, वेरी गुड. जो वेव्स को मटेरियल मीडियम की जरूरत पड़ती है उनको हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स. ओके, इसमें और एक टाइप का वेव आपको दिख रहा है, ये देखिए, ये कौन सा वेव होता है?
सब बेसिक क्वेश्चंस है। बोलो भाई, कौन सा वेव है? मैं राजा वेव पूछ रहा हूं। वेव वेव कौन सा है? शाबाश तन्वी, इसको ट्रांसवर्स वेव्स बोलते हैं। These waves are known as the transverse waves, alternate crest and trough form होता है। तो ये जो आपका waves बन रहा है, इसका nature क्या है? इसका nature है transverse waves. These waves are transverse in nature. Sinusoidal बोल सकते हो, transverse. देखो, हर एक चीज का अलग अलग तरीका है। आपको क्वेश्चन क्या आने वाला है? हम कौन से क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं? हम तैयारी कर रहे हैं कि मेरा क्वेश्चन होगा, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का क्या क्या प्रॉपर्टीज है? देखिए, अभी तक क्या क्या अपन ने लिस्ट आउट कर लिया। ये पहला, दे आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एक्सेलरेटेड चार्जेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिप्रेजेंटेड बाई ई बार क्रॉस बी बार, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दे आर साइनोसॉइडल वेव्स, दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर। तो ये जो हम एक 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 पॉइंट देखते जा रहे हैं, यही सारे उनके प्रॉपर्टीज हैं। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब एक और प्रॉपर्टी हम लोग इधर यूज करेंगे। देखो, एक फॉर्मूला तो आपको ये दिखा दिया, सी निकालने का। सी इज द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यू रिमेंबर, सी हम लोग किधर यूज करते हैं? नॉर्मली सी इज द स्पीड ऑफ लाइट यूज करते हैं, क्योंकि लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इस सी का वैल्यू जनरली तो अपने को मालूम है, फिक्स है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए चेक भी कर सकते हैं। कौन सी फील्ड से ये निकल रहा है? आपको इलेक्ट्रिक फील्ड से मिल रहा है और मैग्नेटिक फील्ड से मिल रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्स्टेंट है, दैट इज एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर जाके देखिए, आपको मिलेगा उधर ये टर्म एप्सिलॉन। इस सिंबल का नाम है एप्सिलॉन। तो दिस इज एप्सिलॉन जीरो या एप्सिलॉन नॉट। परमिटिविटी, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। दिस इज नोन एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। बी बार आपको मिलेगा म्यू जीरो। मैग्नेटिक फील्ड का जो कांस्टेंट है, दैट इज म्यू जीरो, परमीएबिलिटी नाम है इसका। अब ये दो, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इनके कांस्टेंट्स को यूज करके आप स्पीड निकाल सकते हो। एक और फॉर्मूला प्लीज नोट डाउन कीजिए, स्पीड इज आल्सो कैलकुलेटेड बाय 1/√ म्यू जीरो इंटू एप्सिलॉन नॉट। So please have a look at this. This is by using the constants of electric field and the magnetic field. तो आपके पास formula आ जाता है 1/√ mu zero into epsilon naught. अब ये जो formula है, values डालने के बाद आप answer निकालेंगे, आपको answer तो आ गया, पर आपको मालूम है वो आपको ऐसा question नहीं पूछता। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ म्यू जीरो इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब क्या होता है, देखिए क्या सुना हमने, हमने सुना डायमेंशन। हम कहां पहुंच गए? हम दौड़े दौड़े पहुंच गए यूनिट्स, मेजरमेंट्स एंड डायमेंशंस में। पर क्वेश्चन किधर का है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वेश्चन है। तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के क्वेश्चन को, क्योंकि वहां पर उसने वर्ड डाल दिया है डायमेंशंस, और हम पहुंच जाते हैं ये दोनों के डायमेंशन निकलने, और फिर हम क्या करते हैं,
हम यहां से इधर जाते हैं और बड़े बड़े वाले फॉर्मूले सब्स्टिट्यूट करते हैं एंड देन वी गेट कंफ्यूज्ड एंड देन वी से पेपर वाज वेरी डिफिकल्ट। जबकि आपको करना क्या है, इधर देखिए, यह है सी इक्वल टू वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ म्यू जीरो इंटू एप्सिलॉन नॉट। आप दोनों साइड को स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर कर देंगे तो आपको मिलेगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन म्यू जीरो एप्सिलॉन नॉट। म्यू जीरो एप्सिलॉन नॉट को ऊपर ले जाइए, सी स्क्वायर को नीचे लेके चले आइए, तो आपके पास बचा म्यू जीरो इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू वन अपॉन सी स्क्वायर। व्हाट इज सी? सी इज द स्पीड, स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, तो आप लिखो मीटर पर सेकेंड द होल स्क्वायर। सेकेंड इज टाइम, टी स्क्वायर मीटर लेंथ एल माइनस टू एम जीरो। चार मार्क मिलता है बाबू, चार मार्क। तो क्वेश्चंस जो हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इजी होते हैं। इस चैप्टर का जो क्वेश्चन है वो इजी ही होता है, बट हमेशा वो इस तरीके से पूछा जाएगा कि आपको लगेगा कि अरे यार कुछ तो भी डिफिकल्ट पूछा है। यहां पर भी ऐसा होता है, वो जो दो स्टोरी आपको ऐसा एक स्टोरी लिख के देगा कि कुछ तो भी है, एंटीना है उस पर ऐसा आके निकला, कुछ तो भी हो गया, लाइटनिंग गिरा के उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड निकला, ऐसा एक इक्वेशन, फिर उसके वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया आजू बाजू में, ये दूसरा इक्वेशन, और इसके वजह से ऐसा वेव्स निकला, तो वो वेव जो है उसका स्पीड क्या रहेगा। तो आपको तो खाली ई जीरो अपॉन बी जीरो करना है, आपका मतलब ही नहीं है स्टोरी से, आपको इंटरेस्ट है इधर क्या नंबर लिखा है, इधर क्या नंबर लिखा है, नंबर बताओ आंसर निकालो। तो एनीवेज ये इसका एक पहले पीक ले लीजिए, आई नो इट्स अ वेरी बैड सिचुएशन, पर इसको भी हम लोग फिर लिख लेंगे, एक मिनट इसका आप पीक ले लो। जल्दी जल्दी भेजो आंसर, शाबाश निशा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है दे आर साइनसॉइडल। आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का वेव्स है दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर। शाबाश शांसिला, बहुत बढ़िया। The speed of electromagnetic wave is given by square root of 1 upon square root of mu 0 into epsilon naught. Speed ka aur ek point. Speed is given by E0 upon B0. Yes, medium. Medium wala bhi likhenge na, 6 ho gaya. छे हो गया, मीडियम वाला पॉइंट लिख दो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट नीड मीडियम फॉर प्रोपगेशन, दैट मींस दे कैन पास थ्रू वैक्यूम। अच्छा, जो हमने डायग्राम बनाया था उसके बेसिस पे लेके हम और क्या बता सकते हैं? मैकेनिकल वेव्स विल नीड मीडियम, करेक्ट करेक्ट। मतलब जैसे अपना साउंड वेव होता है, साउंड वेव इज एन एग्जाम्पल ऑफ योर मैकेनिकल वेव। साउंड वेव्स को आपको मीडियम की जरूरत पड़ती है, यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर आपने जब डायग्राम बनाया था आपने देखा था कि वो दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट होता है, सेम टाइम पे खत्म होता है, और जो उनके रीजन्स हैं दे आर ऑल्सो सिमिलर। सो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म। तो देखिए एग्जाम में
मैक्स टू मैक्स चार तक आप समझ लीजिए कि चार पॉइंट आपको लिखना रहेगा। तो ये इतने सारे अपने पॉइंट्स रेडी हो चुके हैं, आठ पॉइंट आप बहुत आराम से ये समझो, ये नहीं भी आता है आपको वो डायग्राम से, फिर भी इसमें से आप आराम से चार पॉइंट याद रख सकते हो और अपने आंसर को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो व्हाट आई रिक्वेस्ट यू टू डू इज आज लेके टेक्स्ट बुक बैठना, 13.2 रहेगा वो, 13.2 वाला जो पार्ट है आपका, तो ये